हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि कल आपकी त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है कक्षा 12वीं वालों की। तो कल जो आपका पेपर होने वाला है भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का कक्षा 12वीं वालों का, तो त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आपका कल पेपर आने वाला है, उसमें जितने भी आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि 3, 4, 5 और जितने भी आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि कल आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा दिए हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मेरे इस चैनल पर आपको सभी प्रकार के स्टडी से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराए जाते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ऑल सब्जेक्ट के, ठीक है, जितने भी ऑल सब्जेक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं या जो भी आपकी क्वेरीज वगैरह होती हैं, वो उन सब का सॉल्यूशन यहाँ पे किया जाता है। तो सबसे पहले आप 3, 4 और 5 नंबर के क्वेश्चन देख लें जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आने वाले हैं। तो आप जल्दी से देख लें, पहला जो आपका क्वेश्चन है वो देख लें। आप देखिए, टाइम आपके पास बहुत ही कम बचा है तो वीडियो को लाइटली नहीं लेना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कल आपको यही सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम पेपर में। तो जल्दी से देख लें, ये जो पहला क्वेश्चन है, स्थिर विद्युत के अंतर्गत कूलाम का नियम लिखिए तथा व्याख्या कीजिए, पहला क्वेश्चन है आपका। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, विद्युत प्रेरण किसे कहते हैं, प्रेरण विधि द्वारा किसी वस्तु को कैसे आवेशित किया जाता है। तो ये आपके 3, 4 और 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट जो आपका तीसरा क्वेश्चन है वो देख लीजिए आप, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं और विद्युत क्षेत्र रेखाओं में 3 अंतर लिखिए, ठीक है, ये 3 अंतर लिखना है, मतलब ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चौथा देख लीजिए आप, विद्युत फ्लक्स संबंधी गास का नियम लिखिए। पाँचवा क्वेश्चन है, संविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, संविभव पृष्ठ की 4 विशेषताएँ लिखिए। छठवा है आपका, समांतर क्रम श्रेणी में जुड़े संधारित्रों की तुल्यधारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये आपके 6 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट आप सातवां क्वेश्चन देख लें, सातवां क्वेश्चन है आपका, श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्यधारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट आपका आठवां क्वेश्चन देख लें, आप स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा, ये आपका 8वां, 9वां, 10वां और 11वां क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आप इनको नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, आपको सिर्फ यही क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं, ठीक है, ये इनफ है, आपकी सफिशियंट है आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए, आप जल्दी से इनको तैयार कर लें, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, 13वां, 14वां और 15वां स्क्रीन पे आपको शो हो रहे हैं, आप जल्दी से कर लें। देखिए, सेल की विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर लिखिए, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। नेक्स्ट है आपका, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है आपका, ताप बढ़ाने पर किसी पदार्थ का प्रतिरोधकता क्यों बढ़ जाती है, ठीक है। 16वां क्वेश्चन देख लें, ट्रांसफार्मर की व्याख्या निम्न बिंदुओं पर कीजिए, निम्न बिंदुओं के आधार पर, ठीक है, यहाँ पे आधार नहीं लिखा, निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो कौन कौन सी बिंदु हैं, नामांकित चित्र, आपको जो ट्रांसफार्मर है उसका नामांकित चित्र बनाना है। दूसरा है परिणमन अनुपात का सूत्र और सिद्धांत, और चौथा है आपका ऊर्जा क्षय के कारण तथा उपाय, ठीक है, इन 4 बिंदुओं के आधार पर आपको ट्रांसफार्मर की व्याख्या करनी है। नेक्स्ट 17वां जो आपका क्वेश्चन है, एसी परिपथ के लिए प्राप्त कीजिए, ये जो आपको नीचे यहाँ पे दिया गया है, ये आपको प्राप्त करना है एसी परिपथ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 18वां क्वेश्चन देख लें आप, एसी परिपथ में संधारित्र के प्रतिघात से क्या तात्पर्य है, इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए। 19वां है, सिद्ध कीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा से जुड़े LCR श्रेणी परिपथ की अनुनादी आवृत्ति f=1/2R√LC। तो ये आपको क्या करना है, इसको आपको सिद्ध करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, 20वां है आपका, AC परिपथ में प्रेरक के प्रतिघात से क्या तात्पर्य है, इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए। 21वां देख लें, गतिक विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। 22वां है आपका, स्वप्रेरकत्व तो क्या है, एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक निगमित कीजिए। नेक्स्ट है आपका, 2 समतल वृत्तीय कुंडलियां के मध्य अन्न में प्रेरकत्व हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। तो ये 23 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं, 3, 4 और 5 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप उनको अच्छे से तैयार कर लें, आपकी त्रैमासिक परीक्षा में यही आने वाले, ठीक है। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं उसका वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जुड़े रहें हमारे चैनल पर। थैंक यू।